प्रिय विद्यार्थी, आज के इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स का ट्यूटोरियल क्वेश्चन ऑन द डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट। नकल जॉइंट की डिज़ाइनिंग में एक ट्यूटोरियल क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए नकल जॉइंट टू ट्रांसमिट 150 किलोमीटर। एक नकल जॉइंट हमें डिज़ाइन करना है, ये नकल जॉइंट है, इसे हमें डिज़ाइन करना है जो कि ट्रांसमिट करता है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लोड ट्रांसमिट करता है। द डिज़ाइन स्ट्रेसेस मे बी टेकन एज 75 MPa इन टेंशन। डिज़ाइन स्ट्रेसेस इस तरह से हैं, 75 MPa टेंशन में, 60 MPa शियर में एंड 150 MPa इन कंप्रेशन यानी क्रशिंग स्ट्रेस है। नाउ गिवन P इज इक्वल टू 150 किलोन्यूटन, और यू कैन से P इज इक्वल टू 150 × 10³ N। टेंसाइल स्ट्रेस है 75 MPa या 75 N/m². शियर स्ट्रेस जो है वो है 60 MPa यानी कि 60 N/m², और क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो है हमारे पास 150 MPa यानी कि 150 N/m². ये वैल्यूज दी हुई है। सबसे पहले हम ये रॉड का डायमीटर डी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो डायमीटर ऑफ रॉड बाय टेंशन फेलियर, ये कितना है जब इस पर टेंसाइल लोड लग रहा है, कि 150 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, तो उस वक्त इसकी इसमें रॉड का डायमीटर कितना होना चाहिए। फेलियर ऑफ द रॉड इन टेंशन दैट इज पी इज इक्वल टू 5/4 × d² × σt। ये इक्वेशन है हमारे पास टेंसाइल फेलियर की। अब इसमें पी हमें दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर P की वैल्यू 150 × 10³ N रख दी, और जो स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेस वो हमें दिया हुआ है 75 N/m², ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमने यहाँ पर ये D की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो D स्क्वायर ये आया 2546.479, और इस तरह से D की वैल्यू आई हमारे पास 50.46 mm। अब इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया, तो ये हमारे पास वी कैन से दैट इट इज़ 52 mm। तो अब यहाँ पर D जो रॉड का डायमीटर है उसका हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 52 mm। ये तो हमारे पास पहला आंसर जिसमें कि रॉड का डायमीटर हमने फाइंड आउट किया कि रॉड का डायमीटर इसमें 52 mm का होना चाहिए। नाउ डायमेंशंस ऑफ द नकल जॉइंट, नकल जॉइंट की डायमेंशंस निकालते हैं। यहाँ पर डायमीटर ऑफ पिन, पिन जो है ये वाली नकल जॉइंट की जो पिन है, इस पिन का जो डायमीटर है दैट इज d1, तो ये होता है रॉड के डायमीटर के बराबर। रॉड का जो डायमीटर है उसके बराबर पिन का डायमीटर होता है, तो ये 52 mm हुआ। आउटर डायमीटर ऑफ द आई दैट इज d2, ये जो आउटर डायमीटर है आई का, ये जो आई है इसमें इसका जो आउटर डायमीटर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये d2, तो ये कितना होगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ d, मतलब पिन के या ये कह सकते हैं रॉड का जो डायमीटर है इस रॉड के डायमीटर का ये दुगना होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आई 104 mm। देन डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड, नकल पिन हेड का डायमीटर ये यहाँ से लेकर दैट इज d3, तो d3 की वैल्यू है 1.5 d, तो ये आई हमारे पास 78। इसके बाद थिकनेस ऑफ द सिंगल आई और रॉड एंड, तो ये जो थिकनेस है आई की, जो रॉड सिंगल आई है इसकी जो थिकनेस है वो टी है, ये होती है 1.25 d। तो यहाँ पर डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 52, तो हमारे पास ये 65 mm हो गया। थिकनेस ऑफ द फॉर्क t1, यहाँ जो ये फॉर्क है इसकी थिकनेस t1, ये होती है 0.75 d, मतलब रॉड के डायमीटर का 75%। तो रॉड का डायमीटर में हमने 52 निकाला, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये आई 39। अब इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया तो ये आया मतलब 40 mm, तो फॉर्क की थिकनेस होगी 40 mm। नाउ थिकनेस ऑफ पिन हेड,
पिन हेड की थिकनेस, ये जो पिन है, पिन हेड है, इसकी थिकनेस T2, ये T2 होती है 0.5D, तो यहाँ पर हमने 0.5 किया 52 का, तो ये हमारे 26 आ गई। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई इसकी, जो कि नक्कल जॉइंट है, इसकी वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद हम इसके स्ट्रेसेस चेक करेंगे। नाउ डायमीटर ऑफ नक्कल पिन D1 इन डबल शीयर, ये जो डायमीटर, जो ये पिन है, ये डबल शीयर में है, यहाँ पर एक शीयर लोड लग रहा है, यहाँ पर एक शीयर लोड लग रहा है, कि जब इसमें यहाँ टेंसाइल लोड भी लग रहा है और इधर से टेंसाइल लोड भी इधर लग रहा है, तो ये फोर्क के कारण ये इधर लोड लगेगा, इसमें यहाँ लोड लगेगा और ये आई में इधर लोड लग रहा है, तो यहाँ पर ये शीयर पिन शीयर में है, इधर और इधर, तो ये डबल शीयर में हुई। तो डबल शीयर में हुई तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है P = 2π/4 × D1² × shear stress tau। अब इसमें लोड हमारे पास है 115 × 10³ N, और जो D1 है वो हमने फाइंड आउट किया था, रॉड का डायमीटर वो है हमारे पास D था, तो वो हमारे पास पिन के डायमीटर के बराबर है, तो ये पिन का जो डायमीटर है D1, ये है हमारे पास है 52, तो 52 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अब ये यहाँ से हमने टाउ निकाला, तो टाउ की वैल्यू आई हमारे पास 35.315 N²। अब इसको हमने, या हम यू भी कह सकते हैं 35.315 MPa। ना थर्ड है, अब ये जो वैल्यूज आई हमारे पास शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई वैल्यू से कम है, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी शियर स्ट्रेस की वो 60 MPa है, तो ये 60 MPa से कम वैल्यू है, इट मीन्स हमारा डिज़ाइन जो है वो सेफ है। यानी कि यदि हम पिन का डायमीटर 52 लेते हैं तो हमारी जो ये पिन है वो सर्वाइव करेगी। नाउ थर्ड है सिंगल आई इन टेंशन। नाउ लोड P = D2 - D1 × T × σT। यहाँ जो सिंगल आई है इस पर हमने टेंसाइल लोड जो लग रहा है इसके कारण ये इक्वेशन बनी है हमारे पास टेंसाइल फेलियर में, P = D2 - D1 × T × σT। अब हमने जब इसका टेंसाइल फेलियर देखेंगे तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, P = 115 × 3 N, D2 है वो 104 है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ रॉड डाया, रॉड के डायमीटर का ये दुगना है, और D1 जो है वो हमारे पास 52 है, T की वैल्यू 65 है, हमने जो पहले निकाली थी T की वैल्यू यहाँ पर ये 65 थी, तो हमने ये 65 वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर अब हमने सिग्मा टी जो टेंसाइल स्ट्रेस इसमें इंड्यूस हो रहा है इन डायमेंशंस के लेते हुए, तो ये आया हमारे पास 44.3786 N/mm², ये टेंसाइल स्ट्रेस आता है, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू जो आती है वो इतनी आती है, दैट इज 44.3786 MPa। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास दी हुई वैल्यू से कम है, टेंसाइल स्ट्रेस की दी हुई वैल्यू है हमारे पास 75 MPa, तो इस 75 MPa से ये वैल्यू कम है, इट मीन्स हमारी ये जो डिज़ाइनिंग है वो सेफ है, यदि D2 हम 104 लेते हैं तो ये जॉइंट नहीं टूटेगा। देन सिंगल आई इन शियरिंग, अब इसमें शियर फेलियर लगाया यहाँ पर आई में शियर यहाँ से होगा, एक तो यहाँ से होगा और दूसरा ये यहाँ से है, तो ये वाला जो मटेरियल है ये शियर होकर के इधर आ जाएगा यदि लोड ज़्यादा हुआ तो। तो इसकी इक्वेशन है P = D2 - D1 × T × tau। अब D2 की वैल्यू रख दी, D1 की वैल्यू रखी और T की वैल्यू रखी और P की वैल्यू रखी, तो हमने शियर स्ट्रेस निकाला, ये आया 44.3786 N/mm² या 44.3786 MPa। ये जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है ये दी हुई वैल्यू से कम है, यहाँ पर हमारे पास शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये है 60 MPa, तो ये 60 MPa से कम है, इट मीन्स हमारी डिज़ाइन सेफ है, यदि ये ज़्यादा आता तो हमारी डिज़ाइन अनसेफ होती और हमें यहाँ पर ये डायमेंशन जो है वो चेंज करनी होती,
लेकिन चूंकि ये जो वैल्यूज आई ये वैल्यूज दी हुई वैल्यू से कम है तो हमारा डिजाइन सेफ है। नाउ सिंगल आयन क्रशिंग, ये जो सिंगल आयन है इस पर क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है यहाँ पर इस जगह पर, ये जब इस पर टेंसाइल लोड पिन लग रहा है तो ये पिन स्थिर है तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सरफेस है आई का ये इस पिन पर इसको क्रश करने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है इस पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसके कारण इसमें एक क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है इस एरिया को हम लेंगे दैट दिस इज d1 इंटू टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये d1 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये जो फार्मूला है इसमें d1 की वैल्यू 52 है, टी 65 है, तो हमें सिग्मा सी निकाल लेंगे। पी की वैल्यू 115 वैल्यू रख दी तो यहाँ पर सिग्मा सी की वैल्यू आई हमारे पास 44.3786 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 44.3786 मेगा पास्कल। और ये जो क्रशिंग स्ट्रेस आया है ये क्रशिंग स्ट्रेस हमारे पास दी हुई वैल्यू से, ये जो क्रशिंग स्ट्रेस की दी हुई वैल्यू है 150 मेगा पास्कल इससे कम है। ये इससे कम होने का मतलब ये है कि हमारी डिज़ाइन सेफ है। यदि इससे ज़्यादा आता तो हमारी डिज़ाइन अनसेफ होती और हमें डायमेंशन चेंज करनी पड़ती, लेकिन ये इससे काफ़ी कम है तो इसका मतलब हमारी जो डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं या जो वैल्यूज़ हमने ली है वो वैल्यूज़ ठीक है। नाउ फॉर्क एंडिंग टेंशन, ये जो फॉर्क है इसका जो एंड है वो उस पर एक टेंशन फेलियर हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह से आई का किए हैं उसी तरह से अभी फॉर्क में होगा। फॉर्क में टेंशन फेलियर यहाँ होगा इस जगह पर जब इस पर लोड यू पी लग रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू 2d2 - d1 × t1 × σt, क्योंकि ये जो d2 - d1 डिस्टेंस है ये और ये, और चूंकि ये डबल है यहाँ भी है और यहाँ भी है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, और t1 इसकी ये डिस्टेंस है और सिग्मा टी से हमने इस टेंसर स्ट्रेस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी पी इज़ इक्वल टू 115 × 3, d2 की वैल्यू हमारे पास है ट्वाइस ऑफ d, तो ये हो गया हमारे पास 104, और d1 इज इक्वल टू d तो वो 52 हो गया, और t1 की वैल्यू 40 है। तो यहाँ पर हम सिग्मा टी की वैल्यू निकालते हैं, तो सिग्मा टी की वैल्यू जब हमने निकाली तो यह आया 36.0576 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 36.0576 मेगा पास्कल। ये वैल्यू जो है टेंसाइल स्ट्रेस, ये टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई वैल्यू से कम है, ये जो हमारे पर दी हुई वैल्यू है 75 इससे कम है, तो इसका मतलब हमें डिज़ाइन सेफ है। इस तरह से हमने यदि ये वैल्यूज रखी हैं यहाँ पर और फिर हम टेंसाइल स्ट्रेस निकाला, तो इससे हमें ये सिद्ध हुआ कि ये जो वैल्यूज हमने ली वो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, टेंसाइल फेलियर के लिए, मतलब टेंसाइल लोड बियर कर सकती है, ये वाला जो लोड है पी लोड है इस पी लोड को ये बियर कर सकती है और फेल नहीं होंगी। देन फॉर्क एंडिंग शेयरिंग, ये जो फॉर्क है इसमें शेयर फेलियर हो रहा है, शेयर फेलियर हो रहा है कहाँ से, यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से, यहाँ से, जब इस पर जो टेंसाइल लोड लग रहा है तो ये यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, दोनों जगह होगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने यहाँ पर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी पी इज इक्वल टू 115 × 3 न्यूटन, d2 की वैल्यू है 104, d1 की 52, t1 की वैल्यू है 40, ये जो t1 है इसकी वैल्यू 40 हमने निकाली है, और टाउ हम निकालते हैं इसमें, तो टाउ की वैल्यू आई हमारे पास 36.0576 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 36.0576 मेगा पास्कल।
ये जो वैल्यू है ये दी हुई वैल्यू से कम है, जो सी एस एस की वैल्यू दी हुई है उससे कम है, इट मीन्स हमारा डिज़ाइन सेफ है। ये जो वैल्यूज हम ले रहे हैं वो वैल्यूज जो हैं वो शेयर फेलियर को नहीं होने, शेयर के कारण जो फेलियर को नहीं होने देगी। देन लास्ट है फोर्क एंड क्रशिंग, फोर्क का जो एंड है उस पर क्रशिंग, मतलब यहाँ पर जब ये इस पर लोड यूँ लग रहा है पी बाई टू लोड यहाँ पी बाई टू, तो ये इस लाइन पर ये जो एरिया है इस पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है या क्रशिंग फोर्स लग रहा है तो इसके कारण क्या होगा, इसमें क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वो इस एरिया पर क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगा तो वो कितना है उसको हमें फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस का, ये हमने निकाला था P इज इक्वल टू 2 इंटू डी वन इंटू टी वन इंटू सिग्मा सी। तो P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 115 इंटू 3। अब चूंकि ये डबल शेयर डबल कंप्रेसिव लग रहा है, यहाँ से भी कंप्रेस हो रहा है और यहाँ से भी कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ से भी क्रशिंग हो रहा है, यहाँ भी क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 रखा है इसको। तो 2 इंटू डी वन इंटू टी वन, तो डी वन की वैल्यू है 52 और टी वन की वैल्यू 40, तो यहाँ सिग्मा सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो आता है वहाँ पर 36.0576 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 36.0576 मेगा पास्कल। ये जो क्रशिंग स्ट्रेस है ये दी हुई वैल्यू से कम है, यहाँ पर जो हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू थी ये क्रशिंग स्ट्रेस 150 मेगा पास्कल, इससे यहाँ पर ये कम है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी स्ट्रेसेस हमने निकाले वो इन सब स्ट्रेसेस वैल्यू से कम है, तो जब ये कम होते हैं तो इट मीन्स हमारी डिज़ाइन सेफ है। देन अबव कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस आर लेस देन द अलाउबल स्ट्रेसेस, देयरफॉर द डिज़ाइन इज सेफ। अब इसमें रेफरेंसेस हैं एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस कुरमन एंड जे के गुप्ता। थैंक यू।